सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार की अपील पर आपत्ति जताई है और आक्रोश में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें कही। जी हां, 11 अगस्त को नूंह हिंसा को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि बायकॉट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नूंह में 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट संबंधी मामलों पर नजर रखने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक ये याचिका शाहीन अब्दुल्ला ने दायर की थी। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवी भट्टी की बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने नूह हिंसा के बाद दर्ज हुए मामलों की जांच के लिए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP की अध्यक्षता में कमेटी बनाने पर भी विचार किया। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा, समुदायों के बीच कुछ सद्भाव और सौहार्द होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, लेकिन किसी भी तरह से ये स्वीकार्य नहीं है। ये मेरा विचार है। हम DGP से उनके चुने हुए 3 से 4 अधिकारियों की कमेटी बनाने के लिए कह सकते हैं। SHO और बाकी अधिकारी सभी सबूत जांच के लिए कमेटी को दे सकते हैं। कमेटी सबूतों की जांच करके जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित कर सकती है। SHO और पुलिस स्तर पर सभी को संवेदनशील बनाने की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में 2 अगस्त को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो का हवाला दिया गया है। दावा है कि इस वीडियो में मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार की अपील की गई थी। समस्त हिंदू समाज के लोग दिख रहे हैं जो हरियाणा के हिसार के निवासियों और दुकानदारों को चेतावनी दे रहे हैं। वीडियो में समस्त हिंदू समाज वाले धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि अगर दुकान वाले किसी भी मुस्लिम को रोजगार देंगे या नौकरी से नहीं निकालेंगे तो उनकी दुकानों का बहिष्कार किया जाएगा। याचिका में दावा किया गया है कि ये सब पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। याचिका के मुताबिक समुदाय को बदनाम करने और लोगों के खिलाफ हिंसा को उकसाने वाली रैलियों का असर केवल रैली वाले क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे देश भर में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। इसीलिए कोर्ट से अपील की गई है कि वो राज्य और जिला प्रशासन को निर्देश दे कि इस तरह से नफरत भरे भाषणों वाली रैलियों को अनुमति नहीं दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने कहा कि सरकार नफरत भरे भाषणों का समर्थन नहीं करती है। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर नफरत भरे भाषणों से निपटने का तंत्र काम नहीं कर रहा। वही याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, याचिका में बताए गए भाषण पुलिस की मौजूदगी में दिए गए थे। फिलहाल बेंच मामलों में अब शुक्रवार 18 अगस्त को सुनवाई करेगी। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इस पर आगे क्या कार्रवाई ली जाएगी। देखिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द कंटाप को सब्सक्राइब करना ना भूलें।